नमस्कार, आरती न्यूज में स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ सौम्या पोखरेल हैं, नेपाल वाली टैटू गर्ल। इस वक्त हमारे साथ हैं, यानी टुनटुन यादव के शूटिंग सेट पर पटना में मुलाकात हुआ है, लेकिन आजकल सोशल मीडिया में चर्चा हो गया है। ब्रॉडकास्ट में बोल दिए हैं खेसारी के बारे में कि भाई वहीं से चालू हुआ कि टैटू वाली सौम्या पोखरेल से वहीं से कहानी चालू होता है आप लोग का तोड़ने का। आप भी सुनी होगी जी। नमस्कार, प्रणाम। जितने भी लोग आरती न्यूज अभी देख रहे हैं सबको मेरे तरफ से प्रणाम। आपके चलते खेसारी लाल यादव और पवन सिंह में दो हो गए। आप मानते हैं ये चीज को? आप मानते हैं? पब्लिक मानते हैं? ये तो मानना पड़ेगा, क्योंकि एक बात, मैं 2 साल 2.5 साल से इंडस्ट्री में हूँ, सब लोग जानते हैं, और ये लोग कितने दिन से हैं? बहुत दिन से हैं, लेकिन आपस में, लेकिन ब्रॉडकास्टिंग में ये खुल कर बोले हैं पत्रकार साहब। मैं उसी का जवाब दे रही हूँ ना, कि वो पूछे हैं क्या इस चीज़ से हुआ था, तो मैं इसका जवाब देना चाहती हूँ। मैं 2 साल से इंडस्ट्री में हूँ, और ये लोग कितने सालों से हैं, तो इससे पहले उन लोगों के बीच में विवाद नहीं होते रहता है, लेकिन जितना आपसे हुआ कि भाई पवन सिंह को नहीं हम जानते, ऐसा नहीं है, ऐसे मेरे आने से आ रहे, मैं क्या हूँ उन लोग के सामने, लेकिन आपका चर्चा हो गया, इसका मतलब मैं कुछ हूँ उन लोग के सामने, तब हुआ होगा। बिल्कुल, आप तो नेपाल के हीरोइन हैं भाई। तो उस लेवल में मैं हूँ, तब ना मेरे वजह से वहाँ पर हुआ, मतलब उन लोगों के बीच में कंट्रोवर्सी हुआ, लेकिन मैं कुछ नहीं मानती अपने आप को। तो उतना पवन खेसारी तक तो मैं पहुँची नहीं हूँ भाई, कि मैं मतलब पहुँची हूँ, काम की हूँ, लेकिन उन लोग का एक लेवल है, तो मेरे वजह से कैसे उन लोगों के बीच में कंट्रोवर्सी होगा। लेकिन आपके चलते कहीं ना कहीं फैनों का टकराव हो गया। ऐसा नहीं है, सब फैन, जो पवन जी के फैन, खेसारी जी के फैन, क्या पवन जी के फैन खेसारी जी का सॉन्ग नहीं देखते हैं? खेसारी बिल्कुल देखते, पवन जी का सॉन्ग नहीं देखते हैं? देखते हैं। तो लेकिन आपके चलते कहीं ना कहीं चर्चा हो गया, सौम्या पोखरेल की चर्चा। अरे मैं तो इतना मतलब अपने आप को वो खुश नसीब समझती हूँ कि चलो मेरा चर्चा हो रहा है। नेपाल के हूँ, लेकिन बिहार में और इंडिया में चर्चा हो रहा है। जी जी बिल्कुल, भोजपुरी में तहलका हो गई। बिल्कुल, पहले पवन सिंह के साथ जो वीडियो कब तक ले रिलीज होगा या नहीं होगा वो हम नहीं जानते हैं। अब उनको शूट कराना था, करा लिए, अब उनको रिलीज करना है ना करना है वो जाने। अब हम क्या सौम्या पोखरेल से पवन सिंह नाराज हैं? मैं तो ऐसा कुछ की नहीं, और अगर उनको नाराजगी था तो शूट करना ही नहीं चाहिए था, है ना। अच्छा ये बताइए, आप नेपाल से और बिहार और भोजपुरी इंडस्ट्री में आने का मकसद क्या था, यानी हंगामा करना? ऐसा नहीं है, मेरा कोई मकसद नहीं था इंडस्ट्री में आने का, मैं अचानक से आ गई, और आ गई तो काम करने का मकसद है, और क्या मकसद रहेगा जी। क्या लगता है कि अब सौम्या पोखरेल बड़े बड़े कलाकार में, यानी खेसारी लाल यादव में काम करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। लेकिन एक गाना पर नहीं दिखाई दी, उसके बाद कौन सा गाना पर? हरा दी। अब देखिए, मैं पहले ही बोली हूँ, मैं किसी से रिक्वेस्ट नहीं कर, टुनटुन यादव के साथ काम कर रही हूँ। नहीं, लगातार नहीं कर रही हूँ, 2 सॉन्ग शूट की हूँ इधर जी। मगाही में भी एंट्री हो गया है? जी जी हुआ है। किसके किसके साथ? आशीष जी, रोशन जी, अमित जी, इन लोगों के साथ की हूँ। क्या लगता है कि टुनटुन यादव के ये जो गाना आ रहा है, क्या सौम्या पोखरेल खेसारी लाल यादव का हरदी गाना है आया था उसी का लेवल का ये गाना है? बिल्कुल, एक सैड सॉन्ग शूट हो रहा है जो दीपाली फिल्म से आएगा, जो, और एक रंगदारी है जो हमको लगता है कि फिर एक बार बहुत बड़ा ब्लास्ट हल्का होगा टुनटुन यादव और सौम्या पोखरेल के साथ। जी जी बिल्कुल। ये देखिए सबसे बड़ी खबर आरती न्यूज पर, यानी सौम्या पोखरेल और टुनटुन यादव के जल्द गाना आने वाला है, यानी दीपाली फिल्म्स पर नितेश बाबू के कंपनी है और जल्द रिलीज होगा, यानी दोनों का जोड़ी एक बार। बिल्कुल, मैं बहुत साल पहले, 2 साल पहले एक बार टुनटुन जी के साथ शूट की थी, और 2 साल बाद अभी कर रही हूँ। और लेकिन क्यों नहीं मिल रहा है काम, क्योंकि टुनटुन यादव काफी दिनों के बाद शूटिंग कर रहे हैं? अरे ऐसा नहीं है, सब मैं ऐसा थोड़ी है कि मैं काम नहीं कर रही हूँ, सबके साथ काम तो कर ही रही हूँ। आप हंगामा मत कीजिए, प्यार कीजिए। मैं सबको प्यार करती हूँ, कहाँ हंगामा करती हूँ। कैसे प्यार करती है कि हंगामा हो जाता है यार? उसको दिल से प्यार कीजिए ना। वो हंगामा नहीं है, वो भी एक तरफ से प्यार ही है। नहीं नहीं, आप लोग दिल से प्यार नहीं करेंगे तो कैसे प्यार होगा? आप लोग दिल से करिए ना। दिल से ही प्यार दिल से ही प्यार किया जाता है ना, आपके साथ दिमाग से कर दी तो सब हम भी दिल से नहीं, दिमाग नहीं, हम तो कभी प्यार नहीं कर सकते हैं, आप भी जानती हैं हम लोग प्यार करने वाले नहीं हैं। लेकिन सौम्या पोखरेल है, नेपाल के हीरोइन है भाई, कहीं ना कहीं आज सोशल मीडिया के चर्चा में बन गई हैं कि भाई जब से टैटू गर्ल आई नेपाल वाली, जो कहीं ना कहीं खेसारी पवन में दो हो गया। ऐसा नहीं है, ये गलत बात है,
मैं नहीं पूछ रहा हूँ, देख लीजिए ब्रॉडकास्ट। देखिए जो न्यूज बनाते हैं ना उन्हीं के वजह से सब लोग बोलते हैं। अच्छा खेसारी लाल यादव से कितना प्यार करती हैं? इतना 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 जितना बता नहीं सकती उससे ज्यादा। दिल से कि दिमाग से? यहाँ से दिल से। झूठ बोल रही हैं? ना ना बिल्कुल, मैं उनको हमेशा एक गॉड की तरह मानती हूँ और उनके लिए मेरे मन में कभी कोई छल कपट नहीं है, जो एक लालच भी नहीं है कि उनसे मेरे को काम ही करना है तो करना है। क्योंकि देखिए आप जानते हैं इंडस्ट्री में एक रिक्वेस्ट किया जाता है एक स्टार कास्ट से काम करने के लिए कि प्लीज़ सर हमको काम करा लीजिए। मेरे से उनसे मेरे का कोई लालच नहीं है। सर को अगर लगे कि हाँ सौम्या से काम कराना चाहिए तो वो करा सकते हैं, नहीं तो जितना हमको एक प्यार करते हैं सर, जो एक मतलब मैं नेपाल से आई तो हमको बोले कि बेटा तुम ऐसे ही रहना, तो बस उतना ही मैं खुश हूँ। लेकिन पवन सीता आपसे प्यार नहीं करते हैं, अभी तक रिलीज नहीं हुआ। ऐसा नहीं है, वो अगर प्यार नहीं करते तो शूट ही नहीं करवाते। बहुत खतरनाक वाला प्यार होता है। पवन सिंह पावर स्टार है भाई। बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरा मैन अनंत के साथ मैं मनीष कुमार, आरती लाइव, पटना बिहार।